हेलो एवरीवन मैं जागृति साहू सी जी पी एस सी हैंड रिटन नोट्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम लोग आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखेंगे हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग देखे हैं है, प्रोनाउंस देखे हैं प्रोनाउंस के टाइप से मतलब पर्सनल प्रोनाउन देखे हैं फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखे हैं फिर रैसी प्रोकल प्रोनाउन देखे हैं फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखे हैं अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियोज़ देखिए और आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो उसका डेफिनेशन के साथ हम लोग समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयुक्त तो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं किसी भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ किसी भी वस्तु को हम हाँ लोग जब पॉइंट आउट करते हैं ये चीज ये है वो है ऐसे तो इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं इसको हम लोग कैसे पॉइंट आउट करते हैं दिस दैट से करते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं हम लोग किससे किससे करते हैं दिस दैट दो दिस दो सच द सेम इससे हम लोग क्या करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दिस दैट दिस तो सच द सेम का यूज़ हम लोग कब और कहाँ करेंगे तो दिस दिस और दिस का यूज़ किसी भी पास की चीज़ों या व्यक्ति या वस्तु को के लिए होता है दिस का यूज इस दिस का यूज़ हम लोग सिंगुलर सेंस में करेंगे सिंगुलर सेंस में और इस दिस का यूज़ हम लोग प्लूरल सेंस में करेंगे और दैट और दोस का यूज़ हम लोग दूर की चीज़ों के लिए करते हैं दूर की व्यक्ति और वस्तुओं के लिए करते हैं दैट का यूज़ हम लोग सिंगुलर यूज सेंस में करेंगे और दोस का यूज़ हम लोग प्लूरल सेंस में करेंगे सच सच का यूज़ हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इसको हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेंस में करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं दस सेम का यूज दस सेम दस सेम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है दस सेम का यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका ये हम लोग यूज करते हैं चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझते हैं तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल तो क्या होगा ये पास की चीज़ें गिफ्ट बोल रहा है पास का चीज़ यहाँ पे गिफ्ट है तो सिंगुलर सेंस में तो हम लोग यहाँ पे दिस का यूज़ करेंगे दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल अगर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बोध बुक्स किसकी बुक्स की बात हो रही है बुक्स आर गुड बोध बुक्स आर गुड बट क्या हो जाएगा दिस इज़ बेटर देन दैट थर्ड क्वेश्चन है द विंडोज ऑफ दिस रूम आर लार्जर देन ब्लैंक ऑफ द ऑफिस तो दिस रूम आर लार्जर देन दैन दो ऑफ द ऑफिस आएगा फिर फोर्थ क्वेश्चन है ही इज अ फुल एंड एज एंड एस ब्लैंक मस्ट बी पीटेड यहां पे क्या आ जाएगा सच आएगा ये दोनों सच फोर्थ में क्या हो जाएगा ही इज अ फुल एंड एज सच मस्ट बी पेटेड फिर फिफ्थ क्वेश्चन है गिव ब्लैंक बुक टू ब्लैंक क्लासमेट गिव दिस इस बुक को अपने क्लासमेट को देना दो तो दिस बुक इज दिस बुक टू दैट क्लासमेट आ जाएगा तो so, क्या हो जाएगा गिव दिस गिव दिस बुक टू दैट क्लासमेट यहाँ पे टू यहाँ पे दैट फिर सिक्स क्वेश्चन देखते हैं देयर इज़ नो एंशियंट पीरियड इन एंशियंट हिस्ट्री देयर इज़ नो पीरियड इन एनशियट इंडियन हिस्ट्री सो ग्लोरियस एज ऑफ द गुप्तास तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे ये पास एंशियट बहुत टाइम पहले की बात है बहुत बीत चुका है वो तो यहाँ पे हम लोग दैट का यूज़ करेंगे ये पास की चीज़ें नहीं हैं प्याज तो देयर इज़ नो पीरियड इन एंशेंट इंडियन हिस्ट्री शो ग्लोरियस दैट ऑफ द गुप्ताज फिर हम लोग सेंटेंस करेक्ट करते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ही प्लान्स टू कंप्लीट दिस वर्क हर तो वर्क ये कोई प्लूरल प्लूरल में नहीं आएगा यहाँ पे दिस का यूज़ हम लोग सिंगुलर सेंस में दिस का यूज करेंगे फिर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ही प्लान्स टू कंप्लीट दिस वर्क हरिडली फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं ही इज वर्किंग हार्ड with अ व्यू टू विनिंग द सेम मैच तो हम लोग यहाँ पे द सेम द सेम का यूज की जगह हम लोग यहाँ पे दिस का यूज करेंगे तो हम लोग का सेंटेंस क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ही इज वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू विनिंग दिस मैच थर्ड है द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन अलाहाबाद तो क्या आ जाएगा द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा देन की जगह यहाँ पे हम लोग को ऐड करना पड़ेगा दोज ऑफ इलाहाबाद फिर हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा फिर हम लोग देखते हैं आगे एरर पार्ट इसके बाद हम लोग एरर पार्ट क्या करना है फाइंड आउट करना है फाइंड आउट द एर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है हम लोग को एरर पार्ट फाउंड करना है और क्या एरर है ये भी देखना है तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर दैन दोज तो इसमें नो no एरर है या कौन से पार्ट में एरर है ये हम लोग को देखना है तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है बोल्डर दैन दोज ये नहीं होगा बट दिस इज बोल्डर दैन दोज ये हमारा रॉन्ग होगा दोस्त की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे बोल्डर देन दैट फिर हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट में एरर है तो और दोज की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे दैट का यूज़ करेंगे फिर सेकंड है द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन दैट ऑफ दैट दोज ऑफ दैट होगा तो, हो तो यहाँ पे भी हम लोग फोर्थ पार्ट में ही एरर है हमारा दैट ऑफ की जगह क्या यूज़ करेंगे हम लोग दोज फिर हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा फिर है थर्ड दिस काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक तो बुक्स की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ काइंड kind ऑफ of नहीं होता वो काइंड्स ऑफ होगा काइंड्स ऑफ तो हमारे यहाँ पे सेकेंड पार्ट में एरर है काइंड kind ऑफ of की जगह हम लोग काइंड्स ऑफ करेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दिस फ्रॉक्स आर हर्स बट दैट शर्ट्स आर हिज तो दिस फ्रॉक्स आर हर्स दिस फ्रॉक्स आर हर्स बट दैट शर्ट That शर्ट्स की जगह दैट शर्ट की बात हो रही है तो हम लोग दैट का यूज़ नहीं करेंगे क्या का यूज़ करेंगे यहाँ पे दोज दोज हो जाएगा दोज शर्ट ठीक है जब एस लगा हुआ है ये प्लूरल सेंस में बात हो रही है तो हम लोग दैट का यूज़ नहीं करके दोज का यूज़ करेंगे हमारे पार्ट थ्री में एरर है यहाँ पे हम लोग दोज यूज का यूज़ करेंगे दोज शर्ट्स का यूज़ करेंगे फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ दैट क्लास तो हम लोग को यहाँ पे कंपैरिजन हुए हैं द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज़ मोर इंटेलिजेंट दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज दोज आना चाहिए दोज ऑफ आना चाहिए तो यहाँ पे हम लोग दैट ऑफ की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे दोज ऑफ़ का यूज़ करेंगे दो ऑफ दैट क्लास तो हमारा जो है यहाँ पे एरर फोर्थ पार्ट में है डेट ऑफ की जगह हमको क्या यूज़ करना है दोज ऑफ का यूज़ करना है यहाँ पे हम लोग अब कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखते हैं इसको हम लोग को लर्न करते हुए चलना है ताकि हम लोग को एक साथ याद करने में कठिनाई ना हो तो हम लोग आज देखते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जिसमें है वन हु इज अगेंस्ट द रिलेशन रिलीजन वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजन उसको क्या बोलते हैं हेरेटिक वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजन हैरेटिक सेकेंड है वन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश उसको क्या बोलते हैं कैनिबल वन हु लाइव्स एट द सेम टाइम तो कंटेम्प्रेरी वन हु इज मोर देन अंड्रेड ईयर्स ओल्ड तो इसको सैनिटेरियन वन हु इज गिवन टू प्लेजर ऑफ द फ्लैश एपिक्योर कहते हैं उसको वन हु लाइव्स ऑन अदर्स पैरासाइड वन हु इज है ड्रंक्ट टॉपर पर वन हु इज सेटल्स इन अनदर सिटी इमीग्रेंट क्या कहते हैं उसको इमीग्रेंट फिर वन हु नोज मैनी लैंग्वेज पॉलीगॉट वन हु डिल्स इन कैटल ड्रोवर वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स उसको लैपिडिस्ट लैपिडिस्ट वन हुर आई डिस उसको क्या कहते हैं ऑकलिस्ट One who sells sweets and pastries, confectioners, sweets and pastries to sell, confectioners, one who loads and unloads ships, stevedore, one who retires from society to live a solitary life, recluse, one who pretends to be that, to be what. he is not hypocrite. one a professional rider in horse races. jockey a number of ships flock. a collection of flags bunting. तो ऐसे ही कुछ और भी है सब्सटी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसको आप लोग खुद से पॉज करके इसको लर्न कर लीजिएगा और हम लोग आगे प्रोनाउंस के वीडियोज देखेंगे पूरे प्रोनाउंस को हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे पूरे पार्ट्स को फिर हम लोग एडजेक्टिव उसके बाद हम लोग जब हमारा प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे गाइज़ आप अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना थैंक यू गाइज़